गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आज आपकी फिर से मैथ्स की क्लास है। तो आज हम लोग एडिशन का चैप्टर करेंगे, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर था, इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज हम इसका एक्सरसाइज 3.A करेंगे, यानी कि पहली एक्सरसाइज करेंगे। और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और एग्ज़ाम में आपका ये वाली एक्सरसाइज भी आएगी, ठीक है? तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे से समझना है। तो आपको यहाँ पे राइट द नंबर्स इन कॉलम्स एंड देन फाइंड देयर सम। तो आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर को ऐड करना है। तो तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट्स हैं, हर यहाँ पे भी दो डिजिट्स हैं, तो हम क्या है यहाँ पे टी और ओ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, वंस, और इसका मतलब है टेंस। तो 626 जो है हम कैसे लिखें, टू यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? क्योंकि टू जो है हमारा क्या है, टेंस की प्लेस पे है, तो हम टू को टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। और सिक्स जो है हमारा वंस की प्लेस है, तो हम सिक्स को वंस की प्लेस पे लिखेंगे। अब जो हमारा 43 है, उसी तरह फोर हमारा टेंस की प्लेस पे है, तो हम फोर यहाँ लिखेंगे, और थ्री जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस का निशान बनाएंगे। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है ध्यान से देखना। तो सिक्स प्लस थ्री करना है, तो सिक्स सब आप क्या करोगे, सिक्स अपने फिंगर्स पे काउंट करोगे, थ्री ऐड करना है, सिक्स में थ्री ऐड करना है। तो सिक्स हो गया हमारे पास 7, 8 और 9, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आ गया 9। अब दूसरा हम टेंस वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो 2 में हमें क्या ऐड करना है, 4। तो हम अपने फिंगर्स को फिर से लेते हैं 2 के पास, 2 में 4 ऐड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारा जो आंसर है 69, ये आप ऐसे लिखोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपके पास लिखा है 25 प्लस 53। तो इसमें हम वैसे ही लिखेंगे, अब यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी दो डिजिट्स हैं, तो हम 25 में 2 जो है टेंस की प्लेस पे लिखेंगे, 1 की प्लेस पे हम 5 लिखेंगे। अब उसी तरह यहाँ पे हमने 53 में 5 टेंस की प्लेस पे, 3 यहाँ पे लिखा, ठीक है? अब 5 प्लस 3 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। और 5 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 78 है आपका, ये आपका आंसर होगा। तो आप अपनी कॉपीज में ऐसे ही सफाई से करेंगे, ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप टी और ओ लिखेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है आपको, ठीक है? इसी तरह आपको अपनी कॉपीज में करना है। क्वेश्चन नंबर सी भी आप अपने, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पेज पे जो है आपका वो है ये, तो तीन नंबर्स भी ऐड करना आना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन नंबर्स ऐड करने को दिया है। तीन तीन नंबर कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे टेंस की देखो, पहला नंबर हम लिखेंगे, टेंस की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 83 का 8 लिखेंगे, और 3 वंस की प्लेस पे लिखेंगे। 14 का हम 1 वंस की प्लेस पे लिख, टेंस की प्लेस, तो 4 हमने वंस की प्लेस पे लिखा, और 2 अब जो लास्ट नंबर है 2, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? हम प्लस का निशान आप यहाँ लगाओगे। कौन क्लास में बेटा, फर्स्ट में गए ना तुम? और इसको हम फिर प्लस करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम इन दो नंबर को ऐड करेंगे, और फिर तीसरे नंबर को ऐड करेंगे। तो कैसे होगा, तो 3 प्लस 4 क्या हो गया हमारा, 7। कैसे करना है, 3 में 4 ऐड करो, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो ये 3 प्लस 4 क्या हो गया, 7। 7 प्लस 2 कितना हो गया, 8, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 8 प्लस 1 हमारा 9 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 99। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। मैथ्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? बार बार प्रैक्टिस करो, दूसरे दूसरे नंबर अपने हिसाब से यूज़ करो, और फिर उसको ऐड करके देखो, ठीक है? अब देखो, इसमें आपको मैं कैरी फॉरवर्ड करना सिखाऊंगा। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, अब देखो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, हमको अक्सर यहाँ पे जो है 9, 8 ऐसे एक वन डिजिट भरना होता है, तो इजीली भर लेते हैं, बट कभी कभार इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। तो
कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, 4 + 2 = 6 होता है ना, 6 + 2 क्या होता है आपका 8। अब मान लो यहाँ पे अगर 2 नहीं होता, यहाँ पे आपका 4 होता, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे 4 होता तो आप कैसे करते, 4 + 2 = 6 और 6 + 4 कितना होता है 7, 8, 9, 10, तो हम यहाँ पे 10 लिखते, ऐसे लिखते 10 नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ 0 लिखते, जो उसका वंस वाला नंबर है, 10 में ये नंबर वंस है, ये टेंस हो गया ना, तो जो आपका पहला राइट वाला नंबर है हम वो यहाँ लिखते हैं और जो 1 है वो आपका ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं पूरा, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, तो यहाँ पे ऐसे आपका 90 आ जाता है, पर अभी फ़िलहाल आपकी बुक में 24 नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया है 2, तो आपको सिंपली इसको बस ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, यहाँ पे 8 आप लिखोगे, उसी तरह यहाँ पे आप ऐड करोगे 2 + 4, देखो कैसे करते हैं ऐड, 3, 4, 5, 6, 2 + 4 क्या आ गया 6, 6 में 2 और ऐड करेंगे 7, 8, तो यहाँ पे आपका 88 आंसर। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं आपके पहली एक्सरसाइज में, तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं।